क्या आप लोग हॉस्टल वार्डन की क्लास करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की क्लास तो मैंने कल करा दिया है, आज हम कंप्यूटर के क्लास देखेंगे। तीसरा क्लास, तीसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ। आप अपना लेवल चेक करते हुए चलेगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का आंसर फुल आना चाहिए, यानी कि इतना कमेंट आना चाहिएगा, इतना सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कि पेज भर जाए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाला हूं और बहुत ही जल्द जल्द इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें मेंबरशिप की क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा। ये मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहे आप हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला लो, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं हो गए। इसीलिए मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ कि आप कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। मैं डेली आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली करा रहा हूँ और लगातार आपको कराने वाला हूँ। आप लोग तैयार हो जाइएगा, अपना लेवल चेक करते हुए चलिएगा। अगर एक बार में आपको वीडियो में कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक दोबारा आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक बार वीडियो में प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आप एक बार में आपका रिवाइज या रिविजन नहीं हो पाता तो वीडियो पर दूसरा बार यानी कि दोबारा आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, दोबारा आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कभी भी आप खाली समय में रहोगे तब वीडियो को रिवाइज कर लेना। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइएगा रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो आज तीसरा क्लासेस है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर कंप्यूटर का तीसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ। और एक दो दिनों से मैं व्यस्त था, इसी कारण कि हम छात्र अधीक्षक की संपूर्ण क्लास हम आपको करा पाए। तो अगर आप लोग संपूर्ण क्लास करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से आपको 199 रुपये, 299 रुपये, 399 रुपये के तौर पर मेंबरशिप की क्लास कराई जा रही है। तो सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको, वहां पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं, मेंबरशिप की क्लास ले पाएंगे। आपको पर्सनल वीडियो आपको भेजा जाएगा, चैट भेजा जाएगा, डाउट वहां पर आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम कल से आपको मैथ्स की क्लास देंगे। मैथ्स में जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्लास, आप तैयार हो जाइएगा। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? अपना लेवल चेक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तीसरा वीडियो का तीसरा क्लास है, छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये आपका कल का जो है उसका आंसर आप सभी को मैंने बता दिया था। चलिए अब सभी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा, सभी लोग अपना आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट डाटा डिजाइन, सी डाटाबेस प्रबंधन या डी आपका वेब डिजाइन। क्या होगा आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अपना लेवल चेक कीजिएगा, हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में, तीसरा वीडियो का तीसरा प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, ये दो दिनों से अभी आप लोगों को क्लास नहीं आ पा रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे तरफ मौसम खराब था। ठीक है, तो चलिए तो तीसरा वीडियो का प्रैक्टिस सेट करते जाइए, सभी का आंसर आना चाहिए ना। सभी अगर आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पर, जो नए हैं तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबरशिप की क्लास लगाई गई है, अगर आप मेंबरशिप क्लास चैनल पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको पैड क्लास मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी स्प्रेडशीट डिजाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है इसका आंसर। ठीक है, आंसर दूसरा का वर्ड प्रोसेसिंग। तीसरा का आप लोग बताएं क्या होगा? इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और जंक और ईमेल क्या होता है? देखिए, जो रो और कॉलम हमेशा एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे पता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं।
यहाँ पूछा गया कालम और रोन का जो अक्षर होता है ना अंग क्या होगा। चलिए 30 सेकंड का आपको समय दिया गया है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमें कमेंट करके, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर आ रहा है सभी लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, सेल एड्रेस, बिल्कुल सही है। देखिए मतलब कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा है कि सर आप डेली करंट अफेयर की क्लास लाएं करके, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए, मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास भी लाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। चलिए चौथा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्या आएगा। उन फार्मों को क्या कहते हैं, उन फार्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में, ये रोज नहीं है रोज है ना, रो और कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए क्या होगा। तो ट्रांजैक्शन शीट, रजिस्टर, स्प्रेड शीट या बिजनेस फॉर्म, तो चौथा का आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सी, स्प्रेड शीट, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में हमने सेल एड्रेस पढ़ा है, उसी पर रो कॉलम के लिए हो जाएगा। पांचवा का कमेंट करके बताएगा क्या आएगा इसका आंसर। पांचवा का उस पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, छोटा कंप्यूटर होता है, उसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो प्रोटेक्टिव टूल को कहते हैं जो कि रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है, क्या कहलाएगा, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, एडिट क्रिएटर या डाटाबेस। तो पांचवा का आंसर बिल्कुल आ जाएगा ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट, ठीक है। चलिए छठवा का आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा छठवा का। एक पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में क्या होते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी आना चाहिए छठवा का, बसेस। कमेंट करके बताएं जल्दी से, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। चुपचाप नहीं बैठिएगा, अपना लेवल चेक कीजिए, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते तो आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आप सभी को मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए ना, चुपचाप नहीं बैठना है। और जिनको वीडियो नहीं देखना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। क्या आएगा इसका आंसर सातवां का, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो सातवां का आंसर होगा ए, रूट डिटेक्टरी, ठीक है। हमें अभी 50 क्वेश्चन देखना है भाई, जल्दी जल्दी क्लास करना है ना हमको। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। कमेंट ना करें ना यहाँ पर, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, लेकिन ठीक है, कोई कमेंट ना करें, यहाँ पर डिस्टर्ब होता है बाकी लोगों को, ब्लॉक कर दूंगा फिर आपको। फिर फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइल को कमेंट ना करें ना, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ब्लॉक अब होगा, ब्लॉक आपके चैनल को, ठीक है। कमेंट नहीं, चैनल पे कमेंट नहीं कर पाओगे फिर। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइल को अक्सर हम कहते हैं, आठवां का क्या होगा जल्दी बताइएगा, आंसर सी, डॉक्यूमेंट। हमेशा देखिए अगर फाइल को हम डॉक्यूमेंट में बनाकर ही रखते हैं, इसका क्या होगा बताएं। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगा, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, ग्राफिक पैकेज या डाटाबेस। तो नौवां का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं ना, बहुत सारा क्वेश्चन करना है हमें अभी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटा बेस कहते हैं। चलिए मैं आप सभी को आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आप लोग पहले एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा ना, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, उसके बाद आप अपना वीडियो खेलते रहेंगे। वीडियो को खेलते रहेंगे के मतलब है आप वीडियो को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है कि नई एग्जाम में कई बार आ चुका है, नई स्लाइड के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, कंट्रोल प्लस एन, क्योंकि न्यू है, न्यू साइड बनाया जाता है। देखिए मैं आप सभी को बार बार कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर अगर
बहुत लेट हो जाएगा। अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट 50-50 एमसीक्यू करा देता हूँ, जिसमें फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक और क्लास लेना है, ठीक है, गणित की क्लास लेना है। अगर आप गणित की क्लास चाहते हैं तो मेंबरशिप में जुड़ जाएगा, ठीक है। वो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, प्रथम गणना यंत्र क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अबेकस। जो पहला गणना यंत्र है ना, वो आपका अबेकस हो जाएगा। मैं फटाफट आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो जो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल सी, पुस्तक प्रकाशन, ये सॉरी खेल, खेल से संबंधित ना, 14 का आंसर बिल्कुल बी होगा। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल क्या होगा जल्दी से बताइएगा, सी, ब्लेज पास्कल, ठीक है। किसने पंचकाट का आरंभ किया था, तो पंचकाट का आरंभ किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, किसने पंचकाट का आरंभ किया था, ठीक है। तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, आप सभी को इसका आसान तरीका है, आप आसानी से बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी, विद्युत यांत्रिक। लैपटॉप क्या होता है, तो लैपटॉप क्या होता है जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका आंसर आपका सभी होगा, क्योंकि लैपटॉप क्या होता है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, ये जो छोटे ये लैपटॉप होता है ना, गोद में रखा जाता है, इसको बोलते हैं गोद में रखा जाता है, इसको हम बोल सकते हैं पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर क्या होगा, 18 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 60 रुपये मिल चुका है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, 60 रुपये का कोर्स करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेंबरशिप में जुड़ चुके हो, थैंक यू। आपको रात 8:30 से 9:30 के बीच आपको मेंबरशिप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं राकेश, आपको 60 रुपये वाला हम जोड़ देंगे, ये आपका सिल्वर बटन होगा, ठीक है, सिल्वर वाला क्लास में आप जुड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ देंगे आपको बाद में, ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद। और कोई अगर मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, देखिए इन्होंने 59 रुपये वाला ग्रुप यानी कि मेंबरशिप में जुड़ा है, अगर आप कोई जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में जा क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो 18 का आंसर बिल्कुल डी होगा, उपरोक्त सभी। मैं फटाफट करा रहा हूँ ना, अभी मेरे को मेंबरशिप क्लास लेना है, ठीक है। अगर मेंबरशिप में प्राइवेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का कंप्यूटर का बुनियादी जो संरचना है आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसका भी आपका हो जाएगा निम्न कौन सा सबसे बड़ा सेल है, सबसे महंगा है, तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसका होगा 21 का सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 का बिल्कुल डी, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है, क्राई क्या है, क्राई एक जल्दी से बताइए, क्राई एक सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, सुपर कंप्यूटर, आंसर बी। निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है, पंचम पीढ़ी क्या करते हैं, घर घर का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, बहुत कम कीमत में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यात्रा करने घर घर का उपयोग ना, बिल्कुल सही बताया मैं आप सभी को, घर घर का उपयोग ही होगा। 24 का क्या आएगा, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है, जो यात्रा करने वक्त यूज़र को पोर्टेबल यानी कि पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आपका लैपटॉप आएगा, 24 का डी, ठीक है। 25 का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, 25 का कंप्यूटर के आईसी चिप किस धातु बने होते हैं, इसका तो आसानी से बता देगा, आईसी मतलब होता है क्या होता है, आईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है कि क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, बढ़ाइएगा फटाफट। तो भी करना चाहिए कमेंट, सिलिकॉन बी, वेरी गुड। किस पीढ़ी के कंप्यूटर मल्टी प्रोग्राम, देखिए जब कभी भी मल्टी प्रोग्राम पूछेगा तो आप कौन सा बताएंगे, तो 26 का आंसर आपको हो जाएगा बिल्कुल सी, तृतीय पीढ़ी का जो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर पर कहाँ बनाया जाता है, तो 27 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका सी, बेल प्रयोग में ना। विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो ये कब बना था आपका, 1976
तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। 1976 बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, वीडियो को दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, मैं एक बार फटाफट करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सुपर, माइक्रो, मिनी या मेन फ्रेम? तो आप लोग बताइएगा, माइक्रो माइक्रो को ना, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को भी मालूम होगा, आसानी से इसका आंसर सभी का आना चाहिए, 90% नहीं, 100 में 100%, सभी का 100 में 100% आंसर आना चाहिए। या फिर जिसको आता नहीं है स्किप कर दो भाई, मेरे चैनल को मत ही देखो, ठीक है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लास में मत आना। अब इतना सरल आंसर आपको बता रहा हूँ, इससे सरल कौन कौन सी एग्जाम में पूछेगा भाई, हैं? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर के क्लास ही कर रहे हो और उसका जनक ही मालूम नहीं है आप लोगों को, तो फिर क्लास देखने से कोई मतलब नहीं है, स्किप कर दीजिएगा, वरना आपको मैं हटा ही दूंगा, ठीक है। क्या देखिए, मेरे जो क्लास रहते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं तभी अच्छा लगता है। आप सभी के देखिए, अब गधे जैसे बैठे रहोगे तो मुझे पसंद आएगा क्या? आप सभी लोगों का कमेंट नहीं आएगा, आप लोग गधे टाइप के बैठे रहोगे तो मुझे पसंद आएगा क्या? हाँ बताओ, अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं क्लास लेकर थोड़ी ना आऊँगा, मैं अपना मेहनत बेकार थोड़ी जाने दूंगा ना, मैं अपना ऊर्जा थोड़ी ख़त्म करूंगा मैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अगर चुपचाप बैठे हो तो कुछ भी कमेंट करो, लेकिन आंसर आना चाहिए आप सभी का, आंसर डी होगा गधा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ, आर्यभट्ट डाल दोगे वरना गधे टाइप का। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? अभी बताया आपको कौन सा कंप्यूटर भारत में जो निर्मित कंप्यूटर पर, सुपर कंप्यूटर होगा, माइक्रो, मेन फ्रेम या मिनी? तो क्या आएगा 32 का आंसर क्या आएगा? इतना आसान सर है, सुपर कंप्यूटर। पूर्व में फोटरान के साथ करने वाला, आप देखिए फोटरान कौन सा कार्य करता है, दूसरा या चौथा? तो इसका आंसर बिल्कुल 33 का क्या हो जाएगा, डी, गलत, ये दोनों गलत होगा, तीसरा होगा, है कौन सा तीसरा युग चल रहा है अभी, कि कौन सा युग चल रहा है, कलयुग ही चल रहा है ना। इसका आंसर कितने लोगों ने बी दिया है, बिल्कुल सही है, 33 का आंसर बिल्कुल बी होगा, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर सेकंड आया बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे, क्या उपयोग करते थे जल्दी से बताइए? असेंबली, सोर्स, ऑब्जेक्ट, मशीन? तो इसका आंसर क्या होगा 34 का? तो 34 का आंसर बिल्कुल डी होगा, मशीन लैंग्वेज। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं आप सभी देखिए, अब क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे को, क्लास भी लेना है यहाँ पर, मेंबरशिप की क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर बिल्कुल सी, जान जी मैं कमी, ठीक। पास्कल क्या है? पास्कल 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर क्या होगा? मैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ठीक है, 40 करा रहा हूँ, 10 आप लोग कल के क्लास में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। मेंबरशिप में जुड़े आओ भाई, वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पर्सनल वीडियो है ना। ये तो YouTube पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है बिल्कुल, अगर आप मेंबरशिप में ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, 199 रुपये और 299 रुपये वाला भी है और 59 रुपये वाला भी है, आप लोग जिसकी मर्जी है, आप लोग जो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जैसे रेट रहेगा वैसे आपको क्लास मिलेगा फिर, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पास्कल क्या है? 36 का, देखिए 36 का क्या होगा, ऑप्शन ए, कंप्यूटर एक भाषा है। कंप्यूटर से विकसित की सर्वप्रथम भाषा कौन सी होगी? तो फोर्ट्रान ही है। सी प्लस क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस एक उच्च क्षम का हाई लेवल फोर्ट्रान है। कोबल क्या है? कोबल क्या है बताइए आप लोग ऑप्शन में। वह कौन सा वर्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग, स्वयं कभी भी, अब अगर अलग वाला दिया जाए ना, ये देखिए अलग रखता है, एक मिनट ना, ये जो हमेशा अलग वाला बात करे ना, डायरेक्ट रिजवर्ड वर्ड्स लगा देना, ऑप्शन ए ठीक है। एग्जाम में कई बार आया है, कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा ही है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, आंसर ए होगा। और यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कभी भी छोटे बच्चों वाला ग्राफिक वाला शिक्षा देने वाला बात अगर पूछा जाए ना,
सीधा लोगो लगा देना, इसका आंसर सी होगा। टोटल हमने 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करता है। इससे अच्छा आप लोग मेंबरशिप क्लास में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको अच्छे अच्छे क्लास मिलेगा। 159 वाला है, 199 वाला है और 299 वाला है। इनपुट डिवाइस नहीं, अगर आपका पैड क्लास नहीं हो पाता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है वहाँ पर आप, वहाँ पर नंबर भी दिया होगा मेरा और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया होगा, जाकर आप ज्वाइन या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप में तो आप सबसे पहले मुझे संपर्क कर लीजिएगा या फिर फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो महीने की रणनीति के साथ 2 महीने क्लास रहेगी बिल्कुल मेंबरशिप में, चलिए ठीक है। आपको सेपरेट मिलेगा ना मेंबरशिप में आपको, ठीक है चलिए।